एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं लैक्मे आइकॉनिक इंस्टा कूल काजल का रिव्यू। और ये आप कुछ इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं और ये काजल यहां पे मेरे पास है क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूं। तो ये काजल क्लेम करता है कि ये आपकी आईज को कूल फील कराता है, स्मच प्रूफ है, डी ब्लैक है, 22 आवर्स आपकी आईज पे स्टे करता है। और ये आप अगर कॉन्टेक्ट लेंसेज वेयर करते हैं तो उसके लिए भी सुटेबल है। इसके अंदर कुकुम्बर सीड्स है तो आपकी आईज को थोड़ा कूल फील कराते हैं और ये जो आई स्पेसिस होते हैं उनके अकॉर्डिंग भी ये आपको सुटेबल रहेगा। इसका कोई ऐसा हार्म नहीं है और अगर आपकी आईज सेंसिटिव हैं तो भी ये आपकी आईज पे कोई ऐसा आपको हार्म नहीं पहुंचाएगा और आपको सूट करेगा। ये सब चीजें ये क्लेम करते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, इस तरह से ग्रीन कलर की इसकी पैकेजिंग है। इसकी प्राइसिंग है 225 रुपीज, बट ये डेफिनेटली आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा। ये मैंने आई थिंक 185 रुपीज में इसको मैंने बाय किया है और ये आपको इसमें 2 साल की आपको इसमें शेल्फ लाइफ मिल जाती है। प्रोडक्ट क्वांटिटी है 0.35 ग्राम, जो कि ज्यादातर हरी काजल की होती है। जितने भी काजल आते हैं उनकी प्रोडक्ट क्वांटिटी ज्यादातर इतनी ही होती है। तो ये हो गई इसकी पैकेजिंग की बात। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका एक्चुअल प्रोडक्ट। तो एक्चुअल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का आता है। ये जो रिटेक्टेबल काजल है आप देख सकते हैं, कोई आपको इसको शॉप नहीं करना पड़ेगा, आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। तो इस काजल की अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो ये काजल आपकी आईज में हल्का सा कूल इफेक्ट देता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई इरिटेशन होगी, क्योंकि मुझे तो इरिटेशन नहीं हुई है क्योंकि बहुत कम काजल है जिनको लगाने के बाद मुझे इचिंग नहीं होती है, तो इससे इचिंग नहीं हुई है। या तो इसके अंदर कुकुम्बर सीड्स है इस वजह से, लेकिन हाँ इचिंग तो ये नहीं करता है। और चलिए अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, बट उससे पहले मैं एक लाइन अपने हैंड पे ड्रॉ कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैक है, एकदम जेट ब्लैक काजल है। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये स्मच करता भी है या नहीं और आपको वाटरप्रूफ ये काजल है या नहीं। जब तक मैं आपको इसको आईज पे अप्लाई करके दिखाऊंगी तब तक ये सेट हो जाएगा। तो चलिए इसको आईज पे अप्लाई कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं एकदम से ब्लैक काजल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोनों आईज में काजल अप्लाई कर लिया है, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर है। और जब आप आईज को ऐसे क्लोज करते हैं तो आपको हल्का सा कुछ, मैं बोलूं कि हल्का सा ठंडक सी महसूस होती है, ऐसे इरिटेशन महसूस नहीं होती है। लेकिन अगर हाँ मैं आपको बोलूं कि आपको बिल्कुल जैसे कि आप आईज पे, आपने देखा होगा कई बार आप लोग कुकुम्बर्स के स्लाइसेस रख लेते हैं वैसा फील होता है, तो वैसा बिल्कुल फील नहीं होगा। कभी आप सोचे कि इतनी ज्यादा ये कूल आईज को कर देता है, नहीं। लेकिन हाँ हल्का सा इसको लगाने के बाद आपको 1-2 मिनट तक हल्का सा कूलनेस फील होती है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ज्यादा डार्क कलर है और ये वन स्वाइप में आया है। कोई बहुत ज्यादा आपको इसको रब नहीं करना पड़ेगा कि आपको इसको बहुत ज्यादा रब करना पड़ेगा। तो आपको मैं इससे एक बार लाइनर भी अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आप इससे लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं तो आप इसे एज ए लाइनर भी लगा सकते हैं। और अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि अगर आपने इसको लाइनर की तरह लगाया है तो क्या आप इसको स्मच कर सकते हैं, आप क्या इससे अपनी स्मोकी आई भी बना सकते हैं। तो अगर आप उसको उसी टाइम पे इसको आप स्मच करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये आपका स्मच भी हो जाएगा। तो ये मैं अपनी दूसरी आई पे कंप्लीट करने के बाद देन आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं अगर आप इसको स्मच करना चाहते हैं तो ये स्मच भी हो जाएगा। ये आप देखिए मैंने दोनों आईज पे स्मच कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कि ये स्मच होता है या नहीं सेट होने के बाद। तो ये आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का सा स्मच करता है क्योंकि मुझे इसको लगाया हुआ ऑलमोस्ट 1-2 मिनट तो हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं ये स्मच करता है। और अब मैं आपको इसके ऊपर पानी लगा के दिखाती हूँ। पानी
आसानी से ये आपका नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने ये चीज देखी है, लेकिन हाँ ये स्मच कर जाता है। अगर आप इससे स्मोकी आई करना चाहते हैं वो इजीली हो जाएगा, लेकिन हाँ मैं इसको लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं कह सकती हूँ कि ये पूरे 22 आवर्स तक एज इट इज रहेगा, क्योंकि वैसा तो सिर्फ के ब्यूटी का काजल ही आता है और कोई भी काजल मुझे ऐसा नहीं लगता। जो ये आप देख सकते हैं कि पानी से तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये आपका अगर आप इसको स्मच करेंगे तो ये आपका स्मच हो जाएगा, चाहे आप 2 घंटे बाद करें चाहे 3 घंटे बाद करें। इसको सेट होने के बाद भी जब ये स्मच हो गया है तो ये स्मच हो जाता है। तो इस काजल को लेना ना लेना आपकी मर्जी है। अगर आप कोई डेली में ऐसे ही कोई काजल लेना चाहते हैं, मतलब कि जो इतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग ना हो और आपको ऐसा नहीं है कि 8-10 घंटे तक कोई काजल वेयर करना है, तो आप इसको ले सकते हैं। बस ये आपकी आईज में कोई इरिटेशन नहीं देता है और आप स्मोकी आई बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज और, ये आपकी आईज में ना ड्राई बिल्कुल भी नहीं लेगा, क्योंकि इसके अंदर आई थिंक एलोवेरा इस एक्सट्रैक्ट भी है। इसके अंदर कोई भी ना इंग्रेडिएंट नहीं दिए हुए हैं, ये चीज मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि इंग्रेडिएंट होते हैं तो पता चल जाता है, बट इसके अंदर थोड़ा सा कुछ क्रीमी फॉर्मूला है, तो ये आपके आईज पे ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये आपके आईज पे बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा अगर आप स्मोकी आई करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छे स्प्रेड हो जाएगा। इसका जो काजल की टिप है वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत इजीली अप्लाई हो जाती है आपकी आईज में। आप काजल को इससे विंग आईलाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपली बारीक सा लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही नॉर्मली भी आप इसको लगा सकते हैं सिर्फ अपनी अपर लिड और लोअर लिड पे। तो इस काजल के ऊपर यही था मेरा रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो चलिए मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।